हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसन का घोल लगाना होगा और बेसन का घोल सही होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 कप बेसन लिया है, उसमें आप यहाँ पर 1 चम्मच तक अजवाइन डालना, 1.5 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच आपने हल्दी पाउडर डालना है। और पहले इनको मिला लेना अच्छे से और फिर धीरे धीरे करके आपने पानी डालना है। टोटल पानी जो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो है 2 कप। अब दोस्तों, आप यहाँ पर बेसन का घोल बहुत गाढ़ा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बहुत गाढ़ा करोगे तो ब्रेड पे आप कोटिंग ही नहीं चढ़ा पाओगे। अच्छा, आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने जानबूझ के धीरे धीरे ही पानी डाला है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़े। और क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दी है कि मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी इसकी विस्कोसिटी कैसी है, लेकिन बाद में अब इसको जब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे बाद आप देखना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इतनी देर में हम अपने आलू का मसाला बना लेते हैं। तो आलू के मसाले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से मसाले लिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ली है, साथ में कसूरी मेथी भर के काली मिर्च मैंने ली है, और साथ साथ गरम मसाला। सिंपल है ना चीज़ें। आपको इसके साथ साथ बहुत सारा जीरा चाहिए होगा, पनीर ब्रेड पकौड़ा है तो पनीर का इस्तेमाल तो करना ही करना है, साथ साथ धनिया भर के हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए दोस्तों। अच्छा, मैंने यहाँ पर डाबर के अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अदरक लहसुन को सिलबट्टे पे ही पीसा हो। आप यहाँ पर इसके साथ साथ मिर्ची को भी फाइनली चॉप कर लेना और धनिया को भी। और फाइनली आपको 3 उबले हुए आलू चाहिए होंगे। कोशिश करना दोस्तों कि आप फ्रेश उबले हुए आलू लेना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों। अभी फटाफट से इस मसाले को पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाला है, और तेल जब तक अच्छे से गर्म नहीं होता तब तक आप यहाँ पर जीरा मत डालना। जैसे ही गर्म हो फिर 1 बड़ा चम्मच जीरे का डालना है, 1 टेबल स्पून, और गैस को फटाफट से लो पे कर देना, क्योंकि जीरे को जलाना नहीं है, भुनना बहुत जरूरी है अच्छे से जीरे को, जब तक उसका कलर डार्क नहीं हो जाता, क्योंकि तभी वो अपना फ्लेवर छोड़ेगा। इसके साथ साथ इसी टाइम पर आप यहाँ पर मिर्ची डाल देना, धनिया डाल देना और डाबर का अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना। दोस्तों, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको डालो उसकी बढ़िया सी खुशबू आनी चाहिए अदरक लहसुन की, और तभी तो वो फ्लेवर्स निकल कर आएंगे जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होते हैं स्ट्रीट स्टाइल में। इसलिए मैंने यहाँ पर डाबर होममेड के अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं है। इनफैक्ट आप ध्यान से देखोगे तो आपको अदरक लहसुन के रेशे भी दिख जाएंगे आराम से। अब दोस्तों, आपने यहाँ पर इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छे से भुनना है, थोड़ा सा रंग आने तक, डार्क कलर आने तक, कि वो रोस्टेड फ्लेवर निकल कर आए। और इनके साथ साथ इस टाइम पर आप यहाँ पर मसालों को भी डाल देना, क्योंकि इनको भुनना भी बहुत जरूरी है, मसाले जले ना, इसलिए मैंने थोड़ी देर में ही यहाँ पर थोड़ा पानी डाल दिया है। थोड़ा सा ही पानी डाला है, क्योंकि जलाने नहीं है मसाले, मसाले भुनने हैं। बस थोड़ी सी रोस्टिंग के बाद फिर आप यहाँ पर फ्रेशली उबले हुए आलू डाल देना। और अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेशली उबले हुए आलू क्यों मैंने बोले थे। फ्रेश उबले हुए आलू का बेनिफिट ये होता है कि वो अच्छे से मैश हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर वो खड़े खड़े थोड़े रह गए ना तो आपकी ब्रेड टूटने के चांसेस हो जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा सही नहीं बनेगा। तभी आप देखो, मैंने जानबूझ के आलू मैशर से अच्छे से मैश कर दिए आलू। बहुत जरूरी है दोस्तों ये। आप यहाँ पर नमक का हेल्प भी कर सकते हो कि आप आलू के साथ यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाल देना, और नमक से क्या होगा कि आलू और पानी रिलीज करेंगे, जिससे आप इसको और मैश कर पाओगे। ये देखो आप, कुछ कुछ ऐसे ये करना दोस्तों बहुत जरूरी है, ताकि आप इसको ब्रेड पे अच्छे से लगा पाओ और ब्रेड को सील कर पाओ। और हाँ, सील करने से मुझे याद आया, ये पनीर ब्रेड पकौड़ा है तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक का ध्यान देना पड़ेगा। बाजार में क्या होता है कि वो पूरी ब्रेड को पहले फ्राई करते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं और उनकी कढ़ाइयाँ बहुत बड़ी होती है, जिस वजह से वो पनीर को बीचों बीच रख पाते हैं। लेकिन घर में क्या होगा कि घर में आप ट्रायंगल शेप में ही बनाओगे, क्योंकि कढ़ाई उतनी बड़ी तो है नहीं, तो सेंटर में पनीर रखना है, लेकिन कहाँ पर रखना है जिससे कि ब्रेड सील हो पाए और सही से पक पाए, ये आप ध्यान से देखना। मैं अभी आपको बाजार वाला पहले दिखा देता हूँ। ये देखो आप, कुछ कुछ ऐसे। तो बाजार में क्या होता है कि ब्रेड में आलू को अच्छे से मैश करके लगाते हैं, अगर अच्छी जगह होगी तो बड़ा सा मोटा सा पनीर का पीस होगा और इसको अच्छे से सील कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप देखो दबा दबा के एकदम प्रेस कर देंगे कि इसकी जो साइड्स हैं वो छूटे ही ना, और जब इसको बेसन में डिप करें तो एकदम इवनली कोटेड हो। ऐसा ही होता है ना, यही बाजार वाली ट्रिक अगर आप घर में रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे तो आप भी यही करोगे कि आप ब्रेड पे अच्छे से आलू लगाओगे, उसके ऊपर एक मोटा सा पनीर का पीस लगाओगे, लेकिन क्योंकि आपके घर में कढ़ाइयाँ छोटी है
तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर उसको ऐसे काट दोगे, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाएगी जिससे आप पनीर के ब्रेड पकौड़े बारिश के मौसम में एंजॉय नहीं कर पाओगे। दोस्तों क्या होगा कि आप इनको सील नहीं कर पाओगे। ये देखो सील हो ही नहीं सकता क्योंकि पनीर बीच में आ रहा है ना, तो वो जुड़ने ही नहीं देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको दबा कर अच्छे से बेसन में डिप करके आप सोच रहे हो कि बहुत आराम से हो जाएगा, तो ये देखो दिक्कत क्या आती है, इसमें गैप आ जाएंगे दोनों ब्रेड में। और अगर मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाऊं तो ये देखो इसकी ब्रेड कैसे एकदम अलग हो रही। तो ये छोटी सी टेक्निक है जो समझनी बहुत जरूरी है कि ब्रेड का सेंटर कहाँ है, और बस इसी सेंटर में आपने पनीर को घुसाना है, सारी साइड छोड़ देनी है ताकि हम उसको अच्छे से चिपका पाए, सील कर पाए। तो मैंने यही किया है कि मैंने पहले काट लिया है, बाद में नहीं काटा, पहले काटा है मैंने ब्रेड को हाफ में, फिर आलू अच्छे से लगाया है, स्क्वायर सा पनीर का पीस रख दिया है, और ध्यान रहे साइड्स मैंने छोड़ दी है, साइड्स में पनीर नहीं है। और बस अब जब आप इसको प्रेस करोगे ना जोर से अच्छे से बिल्कुल जैसे बाजार में करते हैं, ये देखो आप ऐसे, तो पूरा सील हो जाएगा। फिर जब आप इसको डिप करके बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगा। ध्यान रहे जहां पर पनीर हो वहां पर आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है, अपना हाथ आप ऐसे कर लेना, इससे क्या होगा कि पनीर दबेगा नहीं लेकिन साइड्स अच्छे से दबेंगे, वही तो हमें अच्छे से प्रेस करनी है। मैंने ब्रेड पकोड़े सारे बनाकर साइड में रख दिए हैं ताकि उससे ये हो वो थोड़े से सूख जाएं, जिससे ब्रेड में डिप करने में आसानी हो। ये मेरी दादी की ट्रिक है और बहुत काम आती है। लास्ट में मैं आपको एक स्पेशल ब्रेड पकोड़ा दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, बस वो चटनी डाल देते थे, सौंठ की चटनी या इमली की चटनी। मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है डाबर इमली चटनी का, ये काफी कंसिस्टेंट है और इसका स्वाद घर जैसी सौंठ की चटनी जैसा ही है। आप इसे जरूर ट्राई करना। आप एक तरफ लगा देना आलू, लगाना पनीर, लगाना और इसको सील कर देना, ये भी बहुत टेस्टी लगेंगे ब्रेड पकोड़े। खैर एनीवेज दोस्तों, फटाफट से आप गैस को रख देना गरम होने के लिए, ये जो ब्रेड है ये थोड़ी सी सेट हो जाएंगी, इनको साइड में छोड़ देना जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है। फटाफट से बैटर को देखते हैं। बैटर में क्या होगा कि अब बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा, और मैंने आपको पहले ही बोला था अगर बैटर गाढ़ा होगा तो फिर उसमें ब्रेड को डिप करने में दिक्कत होगी। बेसिकली स्टार्च ने पानी पी लिया है ना बैटर में, तो इस टाइम पर एंड में एकदम ब्रेड पकौड़ा बनाने से पहले आप यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देना, थोड़ा सा आपने यहाँ पर पानी डालना है, साथ साथ 2 बड़े चम्मच गरम गरम तेल, इसको अच्छे से मिलाना और आपकी बैटर की विस्कोसिटी एकदम सेट हो जाएगी। अब बस आपने डिप करना है। अगर बाजार जैसा बनाना है कि एकदम इवन कोटिंग हो, तो एक छोटी सी ट्रिक और दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर ऐसे करना कि डिप करना, और डिप करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकालोगे ब्रेड पकौड़े को पलट देना, जिससे क्या होगा कि बेसन जो है वो ब्रेड के ऊपर ही रहेगा। और कोशिश ये करना कि अपनी 2 उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल ही करना, इससे होगा ये कि ज्यादा ब्रेड में निशान नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही तरफ आएगा। तो फटाफट से डिप किया, उठाते ही उल्टा कर दिया, और फटाफट से गरम गरम तेल में, लगभग 200 डिग्री का तेल हो, गैस हाई फ्लेम पर हो, गरम गरम तेल में 2 उंगली और अंगूठे से फटाफट से इसको ड्रॉप कर देना। ये देखो डिप किया, उठाते ही उल्टा कर दिया और फटाफट से इसको ड्रॉप कर दिया। बस यही करना है, फटाफट से जब गरम तेल में डालोगे, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा है थोड़ा सा फूलेगा, तो इसको आपको पलटना बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी। और जितने भी ये छोटे छोटे ये बूंदी हमारी जो निकलेगी वो आप निकाल लेना, क्योंकि वैसे ही बैटर पतला है तो थोड़ी बूंदी निकलेगी ही निकलेगी। हाँ, लेकिन इस टेक्निक से कोटिंग एकदम परफेक्ट होगी। आप ये देखो सिर्फ 1/2 उंगली का जो निशान है वो है, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं ना ब्रेड पकोड़े। आप बाजार जैसे लग रहे हैं तो पकाएंगे भी वैसे ही। मैंने इनको हाफ डन करके निकाल लिया है, आप चाहो तो पूरे इनको फ्राई कर सकते हो, मैंने हाफ डन करके निकाला है, और ऐसे ही मैंने सारा लॉट फ्राई कर लिया है, वो जो बड़े वाला ब्रेड पकोड़ा था उसको भी। रुको, मैं अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि अगर आप टेक्निक सही से नहीं करते हो तो दिक्कत क्या आती है। फटाफट से पहले मैंने हाफ डन कर लिया ब्रेड पकोड़ों को। अब ये देखो, इस एक्सपेरिमेंट को देखो, ये वो वाला ब्रेड पकोड़ा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जो ये वाला है, ये वाला ब्रेड पकोड़ा ऐसे है जिसमें मैंने हाथ की जो टेक्निक है ऊपर नीचे करने वाली ब्रेड को, वो सही से नहीं करी। और जो ये लास्ट वाला ब्रेड पकोड़ा है, इसको मैंने सही तरीके से पकाया है, एकदम अच्छे से सील करके और बेसन में सही से डिप करके। बस यही फर्क आता है दोस्तों इन बातों से। आई होप ये बातें आपके काम भी आए। एनीवेज बस आपने बस इनको फ्राई करना है, और अगर आपको बाजार वाला जो मेरा ब्रेड पकोड़ा बनाया था उसको बस आप हाफ कट कर देना। अगर आप पूरी ब्रेड बना सकते हो तो बाजार में इसको हाफ कट करते हैं, बेसन में डिप कर देते हैं कई बारी, कई लोग नहीं करते, डायरेक्टली फ्राई कर देते हैं, वो आपके ऊपर है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि कई जगह ऐसे कट मार देते हैं चाकू से, जिससे वो और भी बढ़िया लगते हैं, और भी क्रिस्पी हो जाते हैं। पर डिसीजन आपके ऊपर है, आप बस इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। दोस्तों बारिश के मौसम में गरम गरम ब्रेड पकोड़े हो, बढ़िया इमली की चटनी हो, साथ में चाय हो, मज़ा ही आता है दोस्तों। आप इनको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे।
ऐसे ही तो होते हैं बाजार के ब्रेड पकौड़े, है ना दोस्तों? और आप ऐसे ही तो बनाना चाहते हो।